अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम फिजा। जल्दी से आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लें और फिर जो है ना हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी जल्दी से सारे अटेंडेंस मार्क कर लो और फिर हम अपने प्रैक्टिस सेशन की तरफ चलते हैं, और मे पॉसिबल कि हम जो है ना एक और स्किल आज कंटिन्यू करें। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो हम ये चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। और हमारी जो पहली गिग होगी वो इसी स्किल पे होगी, तो इसलिए जो है इस पे हम थोड़ी प्रैक्टिस भी ज़्यादा कर रहे हैं और हम चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि ये है भी अभी कैनवा की फर्स्ट स्किल ही है और इस पे जो है ना टाइम थोड़ा सा हम लगाएंगे ताकि हमें चीज़ों की अच्छे से समझ आ जाए कैनवा कैसे यूज़ करना है। अच्छा, अटेंडेंस मार्क कर लिया आप लोगों ने? वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे जो है ना सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने अटेंडेंस का कंफर्म किया है, बाकी किसी ने मुझे कंफर्म नहीं किया। अटेंडेंस मार्क कर लिया, आप लोगों ने जल्दी से कंफर्म करें। और बिलाल अभी आप थोड़ा सा वेट कर लें, अभी मैं पोस्ट करती हूँ इस बारे में कि जहाँ पे आप लोग ना अपना डिज़ाइन कर सकते हैं कमेंट, क्योंकि इसमें लाइव में आप नहीं कर सकते, फाइल अपलोड नहीं हो सकती। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अब हम थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम जो है ना, अच्छा एक चीज़ मुझे पहले बता दें कि हमें अभी आप लोगों को इस पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, या आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट स्किल की तरफ ले के जाऊं? मेरे हिसाब से तो अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो है ना मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कुछ मुझे बेस्ट कॉम्बिनेशंस या कुछ बेस्ट डिज़ाइंस देखने को मिले हैं। कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई इशू आ रहा है सबके डिज़ाइन में। तो मैं तो यही सोच के बैठी थी कि अभी जो है ना हम इसी पे ही प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर आप लोग को ये है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको लगता है कि आपको ये चीज़ 100% जो है ना आ गई है, तो हम नेक्स्ट स्किल की तरफ मूव करेंगे। वालेकुम अस्सलाम आसमा। और ठीक है, तो आप बाकी टाइम तो जो है ना वो क्लासेस लेती हैं ना, आप जस्ट फ्राइडे को नहीं ले सकती? कोई मसला नहीं है, इसको मैं कर दूंगी, आपको मैनेज कर लेंगे हम लोग इसको, अगर आपके एक दिन की क्लास का इशू है तो। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है फिजा, हम यही करें, आपकी बात मैंने नोट कर ली। एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि जब हम क्लास में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मैं एक पोस्ट करूंगी, उस पे सारे बच्चे कमेंट करेंगे और सब लोग उसको रिव्यू किया करो। उसके कमेंट के रिप्लाई में सब लोग अपनी तरफ से बताया करो। मैं तो एक बार रिव्यू करके बता देती हूँ ना कि मेरे हिसाब से ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, पर हर इंसान का जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर बंदा अलग तरह से एक चीज़ को देखता है। तो आप लोग भी कमेंट के रिप्लाई में बताया करें कि इसमें क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए या क्या अच्छा है। सिर्फ बुरा नहीं बताना, अच्छा भी बताना है, क्योंकि हम अच्छी चीज़ें भी तो नोट करेंगे ना। हमने एट द एंड अपने पास जो नोट्स में देखना है वो ये है कि अच्छी चीज़ें हमारे पास क्या क्या आई थी, ताकि हमारे पास जब ऑर्डर आए तो हम वो देखें कि अच्छा ये जो चीज़ें थी ना ये डिज़ाइन में अच्छी लग रही थी, तो हम वही वही चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दें। अच्छी चीज़ें भी बतानी है, बुरी चीज़ें भी बतानी है। बुरी चीज़ें इसलिए बतानी है ताकि वो बाकी जो सारे बच्चे हैं वो अवॉइड करें उस चीज़ को। सिर्फ मैंने रिव्यू नहीं करना, आप लोगों ने भी रिव्यू करना है। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही और वो बाकियों को भी अच्छी ना लगे। यहाँ पे हम माशाल्लाह से इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हो सकता है सिर्फ एक मैं हूँ जो जिसको वो चीज़ अच्छी ना लग रही हो, बाकी 10 स्टूडेंट्स को वो अच्छी लग रही हो। तो डेफिनेटली जो 10 को अच्छी लग रही है, हम प्रेफर करेंगे वो, कि अगर 10 को अच्छी लग रही है तो ये चीज़ अच्छी है। एक मेरे कहने से कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो बुरी नहीं हो जाएगी। तो आप लोगों ने इस तरह से रिव्यू करना है। दूसरी बात ये कि वो जो पोस्ट होगी उसकी कमेंट्स जस्ट उसी प्रैक्टिस सेशन जो हमारा चल रहा होगा उसी में ही ऑन होगी, उसके बाद मैं ऑफ कर दूंगी। उसके बाद किसी और पोस्ट पे आप लोगों ने कोई डिज़ाइन कमेंट नहीं करना, आपने इसके लिए अलग से पोस्ट भी नहीं करनी, क्योंकि मैं जो है ना मैं तो रिव्यू कर लूंगी लेकिन फिर बाकी बच्चे उसको नहीं देख सकेंगे। मैं एक को तो चलो बता भी दूं कि इस तरह से जो है ना ये ठीक है या इसमें गलत क्या है, तो वो हर बंदा उस पोस्ट पे जाके वो चीज नहीं देख रहा होगा। अब किसी को क्या पता कि किसी पोस्ट के कमेंट में किसी डिजाइन पे जो है ना डिस्कशन हुई है। तो इसलिए हम जस्ट एक ही पोस्ट पे करेंगे, और अगर आप लोग के पास है ना
आप लोग बाद में प्रैक्टिस करते हो ऑब्वियसली, घर में जब क्लास ख़त्म होती है उसके बाद भी करते हो, और आप लोग चाहते हो कि आप लोग वो डिज़ाइन भी दिखाओ, तो आप मुझे बता सकते हैं क्लास में कि मैम हम जो है ना पिछले स्किल्स से रिलेटेड जो है हमने कुछ डिज़ाइन तैयार किए हैं, तो हम वो आपको दिखाना चाहते हैं। या फिर हम ये कर लेते हैं कि हर क्लास के स्टार्ट के टाइम में हम पिछले जो है ना आप जो मतलब सारे सबके रिव्यूज़ देखने के बाद जो आप अपने डिज़ाइन तैयार करेंगे ना, पहले हम वो देख लिया करेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्किल की तरफ जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही हैं, बस हमने क्या देखना होता है, हमने कम्बिनेशन देखना होता है कि किस तरह का कम्बिनेशन बन रहा है। चीज़ें देखने में अच्छी लगनी चाहिए। अब वो जो है ना वेडिंग कार्ड भी मतलब इस तरह से बाकी स्किल्स भी इसी से मिलती जुलती हैं, लेकिन हर में कम्बिनेशन चेंज होगा, कम्बिनेशंस और स्टाइल फॉन्ट स्टाइल चेंज करने होंगे हमें, हमें उसका बैकग्राउंड में चेंज करने होंगे, और वो वही चीज़ें हमने देखनी है कि कौन से स्किल पे कौन से कम्बिनेशंस बेस्ट जा रहे हैं। जी आजमा, वो मैंने इसीलिए ही ऑफ की थी क्योंकि सारे बच्चे बाद में क्लास के आके ग्रुप नहीं देखते, तो जो क्लास का टाइम है मैं चाहती हूँ उसी में ही सारा काम हो ताकि सब बच्चों को फायदा हो इस चीज से। कायनात मॉस डॉट कॉम, आप कुछ जो है ना गलत लिख रही होंगी। वालेकुम सलाम शाजिया, वालेकुम सलाम अलीना, और बिल्कुल अनिला, हम सीखेंगे प्रेजेंटेशन इस पे भी और कहीं और भी, हम प्रेजेंटेशन को करेंगे कंटिन्यू। प्रेजेंटेशन में ये होता है ना कि पावर पॉइंट भी होती है और डिजाइन में भी होती है, तो हम देखते हैं कि हम जो है ना क्या चीज उसमें हम देखते हैं कि क्या किस किस को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। और प्रेजेंटेशन की स्किल है इंक्लूड। और अभी एक चीज़ और कि अभी आपने अगर आप साथ आपके पास टाइम है और आप रिसर्च कर रहे हो स्किल्स पे, तो आपने करना क्या है कि वो स्किल्स अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्किल आपको एक अच्छी मिल गई है, तो आप जो है ना वो पोस्ट कर सकते हैं, जैसे कि खालिद ने की थी, तो इस तरह से मैं वो अपनी लिस्ट में भी चेक करूंगी, अगर वो मेरी लिस्ट में नहीं होंगी तो मैं उसको ऐड कर लूंगी चेक करने के बाद कि हाँ ये वाकई ही आ सकती है। आप लोगों ने अभी किसी और स्किल के बारे में नहीं सोचना, उधर नहीं भागना, आपने जो स्किल हम जिस पे हैं आपने उसी को टाइम देना है, उसी की प्रैक्टिस करें ताकि जो चीज़ हम कवर कर रहे हैं ना वो इस तरह से कवर हो कि उसमें फिर कोई गुंजाइश ना रहे। मैं उसमें जो जो चीज़ें जितनी कवर हो सकती हैं हम वो सारी करेंगे, उसमें हम 100% रिजल्ट क्लाइंट्स को दे सके। ये नहीं कि आधी स्किल ये कर लें फिर किसी और पे पहुंच जाए, आधी वो कर लें, और हमें एट द एंड ये हो कि किसी भी एक स्किल पे ग्रिप ही नहीं है, किसी एक स्किल में हम 100% श्योर नहीं है कि ये चीज़ हम कोई भी ऑर्डर है किसी किस्म का भी ऑर्डर है तो हम कर लेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे, वो ये होगी जब स्किल फाइनल हो जाएगी कि हाँ हमारी प्रैक्टिस जो है वो अब इस स्किल की एंड हो चुकी है, हम इस स्किल पे प्रैक्टिस एंड करके हम नेक्स्ट स्किल पे मूव करें, तो हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो होंगे कि इस स्किल के आप रिक्वायरमेंट्स क्या लिखोगे। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों ने, अगर मैं भूलती हूँ तो आप लोगों ने मुझे ये हर स्किल के बाद याद करवाना है कि मैम हमने रिक्वायरमेंट्स डिस्कस नहीं की। ठीक है, हम इसको ये डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको ये समझ नहीं आएगी, चलो स्किल तो आ गई अब इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगी। वैसे तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस हर बच्चे को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ऑब्वियसली उनको क्या क्या चाहिए होगा, कि जब वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वो क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन केस किसी को कोई मसला होता है तो वो उसका वो वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ये वाली स्किल है, इसका प्रैक्टिस सेशन हो जाने के बाद हम थोड़ा सा मूव करेंगे अपनी गिग क्रिएशन की तरफ, क्योंकि हम जो है ना फर्स्ट गिग इसी के बारे में बनाने वाले हैं। तो अब ये कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये अब भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है, पोस्ट नहीं करने आपने अपने डिज़ाइन, आपने किसी और पोस्ट के कमेंट में भी नहीं करने, जस्ट उसी पोस्ट पे करने हैं। और अगर क्लास एंड होने के बाद आप डिज़ाइन तैयार करते हो और आपको लगता है वो अच्छे डिज़ाइन है, या आपको नहीं भी लगता आप जस्ट रिव्यू करवाना चाहते हो तो भी आप करवा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, ताकि सारे बच्चे वो चीज़ देखें। आसमा, moz.com एक्सटेंशन में क्यों नहीं आता? वकास, वालेकुम अस्सलाम, आपने जो है ना moz लॉगिन किया हुआ है, आप एक काम करें moz.com पे जाएं और ऊपर जो है ना लॉगिन लिखा हुआ होगा वहां पे क्लिक करें, और ईमेल मैंने यहाँ पे दिया था वो वाला लिख लें, और पासवर्ड भी मैंने दिया हुआ है, उसको सेम टू सेम कॉपी करके जो है ना आपने रखना है उसको, उसमें कोई भी चीज चेंज ना हो। खालिद, आपकी प्रेजेंटेशंस वाइवा चल रहे हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं, हम कर लेंगे।
वही एंटर किया है। वालेकुम अस्सलाम यारम। अच्छा लॉगिन हो जाता है और नेक्स्ट एक्सटेंशन भी आपने की हुई है, उसको इंस्टॉल किया हुआ है। बोर्ड लगाना पीछे का दें प्लीज। आपने बहुत ट्राई किया, समझ नहीं लगते थे। थोड़ा सा अपने जो है ना फिजा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। आसमा आप मुझे बताएं कि आपने एक्सटेंशन कर लिए है तो ऊपर आपका एक आइकन शो होगा। अच्छा बॉर्डर ठीक है, हम इस पे भी करते हैं। हाँ फिजा अच्छा इरम पूछ रही है कि लैपटॉप काम नहीं कर रहा तो मोबाइल पे वो अटेंडेंस कैसे मार्क करें। अगर किसी ने लैपटॉप सॉरी मोबाइल पे किया अटेंडेंस तो वो बता दें कि हो सकती है मार्क। अच्छा बिलाल खान कह रहे हैं आप लिंक पे जाके ओपन करें तो हो जाएगी। वो कह रहे हैं कुछ लिखा नहीं जा रहा, मैं भी जो है ना उनका कोई इशू हो। चलें आप दोबारा ट्राई करें तो हो जाएगी मार्क। अच्छा मैं पोस्ट करने लगी हूँ तो अब यहाँ पर जो है ना आपने अपने डिजाइंस यहाँ पर एक कुछ स्टूडेंट्स ने पोस्ट भी की थी। हेरा आप क्लास में हैं, अगर हैं तो आप जो है ना अपने डिजाइन दोबारा से जो है वहां पे उस कमेंट्स में जो है पोस्ट कर दें। सिद्रा खान आप अगर क्लास में हैं तो आप भी अपना डिजाइन जो है ना वहां पे पहुंच गए, मुझे आपका डिजाइन अच्छा लगा था। मैं इनका निम्र वो वहां पे आपका आ रहा होगा जो आपकी है ना जो चीज मिसिंग है वो आपको कह रहे होंगे ऐड करें तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आपका वहां पे जो है राइट साइड पे आ जाता है। अच्छा यहाँ पे जो जिन दो बच्चों का मैंने नाम लिया वो अपने डिजाइन आके कमेंट कर दे जल्दी से, उन्होंने पोस्ट किए थे। और अगर वो नहीं है तो फिर जो है ना मैं ही वो कर लूंगी, उनके डिजाइन कमेंट कर दूंगी। ठीक है बिलाल खान। उसके लिए तो आपको निवेदन आपका को क्लाइंट होना चाहिए अब जो वेरीफाई करे।
जी कायनात, आपने जो वैसे पोस्ट किया था आप यहाँ पे पोस्ट कर सकती हैं। अब वॉइस इशू आ रहा है, जरा मुझे कंफर्म कर दे कि किसी और को भी वॉइस इशू आ रहा है। निम्रा, अब ये तो देखने में पता चलेगा कि उस फाइल में वो क्या चीज़ जो है 5% में इशू करे। हाँ जी, आप पोर्टफोलियो तो ऐड कर सकती हैं, हम वहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। मे बी आपके वर्क हिस्ट्री में आ रहा है कि अभी आपको काम कोई नहीं, आपने वहाँ पे कि आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला। तो चलो ठीक है, वॉइस क्लियर है। मैं थोड़ा सा जो है ना डिज़ाइन देख लेती हूँ। फिजा, आपका जो है डिज़ाइन फर्स्ट वन, इसमें मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब कोई कमी है। अगर किसी और को लग रहा है कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए तो वो बता सकता है। अच्छा, दूसरे में जो है ना वो बैकग्राउंड जो है उसकी वजह से मे भी हो रहा है कि पढ़ने में जो है ना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा। हालांकि वर्ड्स है लिखे हुए क्लियर हैं, बट जो है ना कहीं कहीं पे कुछ मसला हो रहा है। अब आप इसको जो है ना सेट कैसे कर सकते हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं, या तो आप जो है ना जो ऊपर आपने लिखा है उसको थोड़ा सा मजीद प्रोमिनेट कर दें, वो आप कलर चेंज करके भी कर सकती हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज करके कर सकती हैं इस तरह से जो है ना, या फॉन्ट स्टाइल कुछ इस तरह से चेंज करें। तो ये चीजें जो है ना आप इसमें चेंज कर सकती हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ बिलाल। निम्रा, शेयर करने में तो मुझे नहीं पता चलेगा ना, मुझे क्या पता कि आप वो सेटिंग मुझे इस तरह से जो है वो नहीं दिखाई जाएंगी। स्क्रीन शेयर हो रही है, जल्दी से मुझे जो है ना कंफर्म कर दे। स्क्रीन शेयर हो रही है, अच्छा। बिलाल खान कह रहे हैं यस और कायनात कह रही हैं नो, तो ये जो है ना देखने की क्या मसला आ रहा है। अच्छा, मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। ये रिव्यू हो चुका है और ये सेकंड वन भी कर दिया। अच्छा कायनात, इस तरह से जो है ना लिंक नहीं देने आपने, आपने इस तरह से इमेजेस करनी है, लिंक नहीं, ताकि मैं यही कमेंट्स में ही जो है ना वो करती जाऊं। अच्छा, मैं अब मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, तो यहाँ पे कुछ जो है ना स्टूडेंट्स ने ये डिजाइन किए थे। अब इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, सबसे बेस्ट कौन सा है इनमें से? ये है एक ही डिजाइन, एक ही टेम्पलेट को डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के साथ जो है ना किया हुआ है, कि और डिफरेंट फॉन्ट्स के साथ किया हुआ है। इनमें से जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है वो एक ये है और एक ये है। मे बी जो है ना यहाँ पे जो फॉन्ट स्टाइल है उनकी वजह से ये वाले फॉन्ट स्टाइल मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे, बट मे बी आप लोगों में से किसी को अच्छे लग रहे हो तो वो बता सकते हैं कि मुझे तो ये अच्छे लग रहे हैं, ताकि हम देख लें कि कितने लोगों को ये तीन अच्छे लग रहे हैं, तो हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। बट इससे भी ज्यादा जो है ना मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, ये बहुत क्लीन क्लियर है। एक तो स्टाइलिश है, ऊपर से जो है ना इसको पढ़ना भी आसान है। मतलब कुछ स्टाइल ऐसे होते हैं जिनकी समझ नहीं आती कि ये वर्ड क्या लिखा हुआ है,
तो उसमें मसला होता है। एक ये मुझे अच्छा लगा था, सिंपल प्लस स्वीट। ये एक ऐसा डिजाइन मुझे लगा है कि जिसमें मेरे हिसाब से, अब देखना इसका बैकग्राउंड भी है, बैकग्राउंड में इमेज भी आ रही है, बट यहाँ पे एक फ्रेम से यूज हुआ है, और उसमें जो है ना इन्होंने जो अपने वो लिखना था टेक्स्ट वो लिखा है, और टेक्स्ट भी बड़ा क्लियर है। अब वो बैकग्राउंड की वजह से ना अच्छा लग रहा है, पढ़ने में भी बड़ी आसानी हो रही है, एक नज़र में ही समझ आ रही है कि क्या लिखा हुआ है। ये इसको थोड़ा सा हमेशा जो नेम है वो थोड़े से अच्छे स्टाइलिश और डिफरेंट होने चाहिए, ये जो बाकी आप चीज़ें लिखते हैं ना, तो इनसे थोड़े से ये स्टाइलिश होने चाहिए। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ अगर किसी और ने कमेंट किया है तो। अच्छा, आपको ग्रीन वाला सबसे बेस्ट लग रहा है, मैं उसको मजीद देख लेती हूँ। दो यहाँ पे बंदा ने लास्ट वन का कहा है कि लास्ट वन को अच्छा लग रहा है, सबसे ज्यादा अच्छा वही लग रहा है। कहे ना आप डाउनलोड करें और उसके बाद जो है ना आप करें। मैं एक सेकेंड दोबारा से ग्रीन वाला यहाँ पर देखें, ये एक चीज, ये वाला जो एक डिजाइन है वैसे इसको ओपन करने में ये मजीद क्लियर शो हो रहा है, और यहाँ पर अगर देखें ना तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मिक्स हो रहा है, बट ये वाला डिजाइन भी बेस्ट है। और आप लोग यहाँ पे देखें, ये इसमें इन्होंने ये किया है कि यहाँ पे एंड नीचे ले आया है। अब चीज तकरीबन ये आई थिंक ये सेम टू सेम वही चीज है, बस थोड़ा सा है जो है ना फॉन्ट स्टाइल चेंज है, और एक इन्होंने चेंज किया है। अब वो चेंज पता है क्या है कि इन्होंने यहाँ पे एंड ऊपर ही लिखा है और यहाँ पे एंड दरमियान में लिखा है। अब एंड दरमियान में लिखने से हुआ क्या है कि इनमें स्पेस आ गई है, स्पेस आने से ये जो है ना बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पे अगर ये वाला एंड दरमियान में आ जाए ना तो ये भी बेस्ट हो जाना है, इनमें भी स्पेस आ जाना है। ये जो के और ये आपस में एक तरह से मिक्स हो रहे हैं ना, ये चीजें फिर मिक्स नहीं होंगी, स्पेस आ जाएगी। तो ये एक हमें आइडिया मिला है कि अगर हम एंड को दरमियान में रखें, डेफिनेटली नाम तो और दो ही होंगे ना, एंड तो आएगा, तो हम जो है ना ये चीज इससे हम इसको अच्छा बना सकते हैं, हम स्पेस को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने अब इनके जो थे ना नेम वो यहाँ पे पूरे आ रहे थे, तो इन्होंने सिंपल प्लस लगा दिया, कोई एंड नहीं लगाया। अब ये चीज भी आप नोट कर लें कि आप एंड की जगह प्लस भी यूज कर सकते हैं। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर डिजाइन में आप एंड ही यूज करो, तो आप एंड की जगह प्लस भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा जिस तरह से आपको नेम क्लाइंट प्रोवाइड करेगा आपने उसी तरह से ही उसको करना है। अब अगर उसने स्टार्ट में लड़की का नाम लिखवाया है और दूसरा जो है ना मतलब फर्स्ट नेम लड़की का है और सेकंड लड़के का है, तो आपने वैसा ही करना है। अगर जो बॉय नेम है वो फर्स्ट है और गर्ल नेम सेकंड है ना, तो आपने वैसा ही करना है, आपने अपनी तरफ से चेंज नहीं करना। क्योंकि देखिए मे बी वो जो है ना वो लड़की वाली साइड का कार्ड हो, तो डेफिनेटली लड़की वाली साइड का कार्ड होगा तो लड़की का नाम ऊपर आएगा, लड़के वाली साइड से कार्ड होगा तो लड़के का नाम ऊपर आएगा। अच्छा, यहाँ पे लास्ट वन जो है ना उसके उसके वो तीन हो चुके हैं कि लास्ट वन जो है वो सबसे बेस्ट है, हालांकि मेरा वोट यहाँ पे था कि ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा है। अब तीन बच्चे ऐसे हैं जिनको ये अच्छा लगा है, तो आप लोग मजीद भी ये चीज जो है ना इसको देख सकते हैं कि आप किस तरह से जो है ना। अब इसमें एक और चीज भी है, अब इसमें जो है ना ये वाला टेक्स्ट ऊपर वाला और नेम्स का टेक्स्ट का कलर जो है वो सेम है, लेकिन जो लास्ट वन है ना उसमें ऊपर वाला जो टेक्स्ट है उसका कलर यहाँ पे इसके कम्बिनेशन में आ रहा है, और जो है ना जस्ट ये नेम का जो है ना कलर चेंज है। अब ये इस तरह से भी हो सकता है कि इसमें जो है ना ये प्रोमिनेट कर रहे हैं नेम्स को, ये इस तरह से भी इस चीज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि अगर आप जस्ट नेम्स को या कोई स्पेसिफिक चीज को जो होता है ना प्रोमिनेट करना चाह रहे हो, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, सिर्फ उसी का ही कलर चेंज कर दें। तो ये वाला जो है डिजाइन अभी बेस्ट जा रहा है, बट इसमें मैं फिर अगर आप क्लास में हैं तो मैं इसमें एक चेंज देखना चाहूंगी कि यहाँ पे जो एंड है ना इसको आप यहाँ पे दरमियान में लेके आओ, जैसे आपने फर्स्ट डिजाइन में किया, बाकियों में सब में ऐसे ही किया हुआ है, इस एंड को थोड़ा सा जो है ना आप चेंज करें। निम्रा, आपने मुझे मैसेज किया था, पर्सनल मैसेज किया था आपने मुझे, जल्दी से मुझे बता दें, और किया था तो कौन सा किया था, क्योंकि पर्सनल मैसेजेस में जो है ना देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब मैं देखती हूँ अपनी पोस्ट, ये रही।
हाँ, निम्रा ने किया है एक, इसको देखते हैं। आई थिंक निम्रा आपने कुछ जो है ना पेड़ चीज यूज की है, दैट्स व्हाई ये जो है ना इसमें वाटर मार्क आ रहा है। बट ये अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, पर आपने अगेन वो वाला काम कर दिया है कि इसमें एक चीज तो वो हो नहीं रही कि ये कब जो है ना इनकी शादी होनी है, डेट वगैरह कुछ इस तरह से यहाँ पे एक तो टेक्स्ट नहीं है। दूसरा, इसका जो कलर है ना आप चेंज करो, जो ये इनके नेम्स है ना ये जरा, ये वैसे एक चीज है कि आप लोग ये चीज देख सकते हो कि ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा है। इस वजह से अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका व्हाइट बैकग्राउंड है, बहुत ही ना एक क्लीन क्लियर सा। तो इसमें अगर हम कोई कम्बिनेशन ना भी यूज करें ना तो ये बेस्ट जाएगा। ये जो है अब जो मैं कह रही हूँ कि ये बेस्ट जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला कलर जो है ना व्हाइट बैकग्राउंड पे बेस्ट जा रहा है या अच्छा लग रहा है व्हाइट बैकग्राउंड पे? तो यही जो बच्चा ये कार्ड डिजाइन कर रहा है वो जो है ना कलर का कोड कॉपी करके उसी जो आपने अपना टेम्पलेट, जो आपने अपना डिजाइन कमेंट किया है, उस कमेंट के रिप्लाई में आपने बता देना है कि मैंने ये वाला कलर यूज किया है। अब ये आपको पता तो है कि कैसे आपने कलर का कोड लेना है। अगर नहीं पता तो यहाँ पर आप जाएंगे और कलर को सिलेक्ट करके कोड देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और तो मैंने आपको बताई नहीं है कि आप अभी मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगी, कैनवा प्रो। यहाँ पर आप जाएंगे। अब मैंने क्या टेक्स्ट का कलर कहा है ना, तो मैंने क्या क्या टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ये टेक्स्ट कलर पड़ा, इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर ये वाला कलर कोड है, ये वाला कलर कोड है जो ये अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो। अब आप जैसे जैसे इसको घुमाओगे तो ये देखें इसका कलर इधर से चेंज हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका कोड चेंज हो रहा है। ये देखें, यहाँ पर मैं लेके गई हूँ, यहाँ पर मैं लेके गई हूँ, तो इस तरह से जो है ना इसका ये कलर कोड चेंज होगा। जो भी होगा यहाँ से आप लोग कॉपी कर लोगे और आप लोग इस तरह से अपने जो है ना नोट्स बना सकते हैं। अब ये हमारे पास देखें पेड आ रहा है। अब इसको एक सेकेंड और देखते हैं मजीद के, अगर इसमें ये कर दिया और यहाँ पर अभी डाउनलोड में कुछ हमें ये नहीं कह रहा कि आप जो है ना कुछ पे करो। अच्छा, एक सेकंड, मैं अभी आप सबके जो है ना कमेंट्स पढ़ती हूँ। मैं एक चीज ट्राई कर लूँ, ट्राई नहीं कर लूँ बल्कि थोड़ा सा फाइल अपलोड का है तो वो जो है ना मैं ठीक हो गया। अब मैं ये देख रही थी कि अगर मैं ये फाइल डाउनलोड करूं तो उसमें कोई वाटरमार्क आता है या नहीं आता, और वो नहीं आता क्योंकि मेरे पास ये वाला जो है ना अभी प्रो अकाउंट है, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लूं। अच्छा, अनिला कह रही है हमारे कल्चर से रिलेटेड इमेजेस नहीं मिलती। इमेजेस मिल जाती हैं, आप गूगल से भी ले सकती हैं और अपलोड कर सकती हैं। भैया, हमारी जो स्किल है वो वेडिंग इनविटेशन, वेडिंग कार्ड, वेडिंग इनविटेशन कार्ड ये है। तो डेफिनेटली अभी जो है ना हम शायरी के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। बाकी स्किल्स जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस खत्म करने के बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर और भी स्किल्स हैं। निम्रा, मैंने इसका जवाब दिया था कि आपकी प्रोफाइल लिंक से मुझे नहीं पता चलेगा कि उसकी सेटिंग क्या है। मैं आपकी प्रोफाइल लिंक से आपकी जो है ना अकाउंट की सेटिंग नहीं देख सकती कि उसमें क्या चीज, किस चीज की कमी है। वो क्लाइंट्स को इस तरह से शो नहीं करवाते हर एक चीज। अलीना, वो ऑरेंज कलर तो नहीं था बट कह सकते हैं उसको, उसका कलर जो है ना जो जिस बच्ची ने किया है, कौन थी जिनका ये था, निम्रा आपका था ना, तो आप उसका कलर कोड जो है आप कमेंट में बता दें कि कौन सा था। अच्छा, कायनात। अच्छा, अब हम चलते हैं। परफेक्ट है बिलाल, ये अच्छा डिजाइन है, क्लीन है, क्लियर है, कलर कॉम्बिनेशन बेस्ट है।
और इसके अलावा मुझे इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जो चेंज होना चाहिए। अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चेंज होना चाहिए तो वो बता सकते हैं। यहाँ पर ये अच्छा है, बट मुझे ये दोनों कलर जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छा नहीं लग रहा। आप बेशक सिर्फ ये भी यूज कर लेती ना तो अच्छा जाता, बट ये दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर स्टूडेंट्स मुझे जल्दी से बताएं कि किस किस को ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। बिलाल, मैंने आपका कमेंट देखा है और मैंने उसका जो है ना रिव्यू भी कर दिया है। जल्दी से मुझे बताएं सारे बच्चे कि ये वाला कॉम्बिनेशन किसको अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से ये दोनों थोड़े से जो है ना मैच नहीं हो रहे। आप इसमें ट्राई करें, थोड़ा सा कलर चेंज करें कि मे बी कुछ और बेस्ट आ जाए। ऐसे लग रहा है दोनों कुछ अपोजिट चीजें हो गई हैं। दोनों ऐसे कलर्स मुझे मुझे एक बार देखने से अच्छे नहीं लगे। डिजाइन वो होता है जो आप एक बार देखो ना तो आपको वाओ, यही चीज तो हमें चाहिए, इस तरह से हो। अच्छा जल्दी जल्दी से, अच्छा बिलाल कह रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लगा ये कलर कॉम्बिनेशन, जल्दी से मुझे बताएं किसी को अच्छा लगा है, क्योंकि हम सबका रिव्यू लेने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा नहीं अच्छा लग रहा, एक और कमेंट है। अच्छा यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स मुझे जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करे, ये चीज़ जो है ना। अगर तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम अभी हमारा हमें प्रैक्टिस का टाइम दें, मैं भी थोड़ी देर चुप हो जाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो है ना कोई अगर बोल रहा हो तो बंदा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, तो मैं भी यह चुप हो जाऊंगी। फिर उसके बाद हम जो है ना थोड़ा सा टाइम लेंगे, फिर एक बच्चा बता देगा कि मेरा जो है ना वो हो गया है डिजाइन, या तो फिर वो कमेंट कर देगा, तो मैं बता दूंगी कि अभी हम जो है एक डिजाइन रिव्यू करने जा रहे हैं, तो आप सब लोग भी स्क्रीन पे आ जाओ, तो उसको फिर हम रिव्यू कर लेंगे। और आप जो है ना मैं स्क्रीन शेयर करके रिव्यू करूंगी, तो आप जहाँ पे लाइव पोस्ट पे ही कमेंट कर सकते हो, आपको वहां पे रिप्लाई में कमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। रिप्लाई में जस्ट जो चीज अच्छी जाएगी उसके जो है ना कलर कोड वगैरह रिप्लाई में आप लोगों ने बता देने हैं। ये आप कलर चेंज करने का इनाज, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा मसला है। और बिलाल आप भी अपने कलर का जो है ना कोड यहाँ पे बता दीजिएगा, ऊपर भी मैंने कहा बच्चे निम्रा आपने भी बता देना है। अब आप लोग जो है ना स्टार्ट करें अपने अपने डिजाइन न्यू बनाएं, और मुझे मुझे यहाँ पे किसी और का डिजाइन नहीं मिला। यहाँ पर जस्ट मुझे 6 कमेंट आए हुए हैं, और जो है फिजा निमरा बिलाल, इसके अलावा मुझे किसी का डिजाइन नहीं मिला। बिया मुझे आपका डिजाइन रेडी चाहिए। ओके अलीना आपका भी चाहिए मुझे, उसके अलावा भी कौन है क्लास में। नीला आपका डिजाइन नहीं आया अभी तक, और खालिद आपका भी नहीं आया। ठीक है अभी मैं भी थोड़ी देर के लिए जो है ना, बिलाल आप जाएंगे यहाँ पर, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप हैं तो आप यहाँ पे कैनवा पे क्लिक करेंगे या होम पे करेंगे तो वो आपको जो है ना होम पे लेके चला जाएगा, और यहाँ पर आप ऑल योर डिजाइन में जाएंगे, साइड पे ही आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपने जितने भी डिजाइन ट्राई किए होंगे या होंगे ना, तो अब जैसे कि मैं इसको कर रही थी अभी लास्ट पे, तो यही आया हुआ है। आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप जो है ना वो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने पूरा बॉक्स ही सेलेक्ट किया है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट कलर पे जाके प्लस पे जाके जो है ना ये वाला कोड कॉपी कर लेंगे। अब जैसे जैसे ये मैंने बताया कोड का कलर, फिर इस तरह से जो है ना चेंज होता जाएगा, सॉरी कलर चेंज होगा तो साथ में कोड भी जो है वो चेंज होता जाएगा, तो आप इस तरह से करें।
जमीला क्या चीज नहीं लग रही? बिलाल आप जो है ना, स्क्रीन शेयर मैंने फिर से किया है, आपका डिज़ाइन था ये वाला। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे जहाँ पे आपने बिलाल लिखा हुआ है, या एंड पे सिंपल आप दरमियान में जाके क्लिक करोगे ना, अब जैसे कि मैं यहाँ पे करती हूँ, जैसे मैंने इस एंड पे क्लिक किया तो ये एक चीज़ सिलेक्ट हो गई है। जैसे ही सिलेक्ट हुई है तो ऊपर यहाँ पर मुझे ऑप्शंस जो है ना मिल गए हैं कि आप इसके साथ मतलब क्या चेंजेस करना चाहते हो, क्या चीज जो है ना आप ढूंढ रहे हो जो भी। तो यहाँ पे मैंने देखा टेक्स्ट कलर आ रहा है, यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया तो ये मुझे ऑप्शन दे देगा कि आपने टेक्स्ट कलर चेंज करना है। यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट कलर्स हैं और फिर उसके बाद डिफॉल्ट कलर्स के साथ जो है ना उनका, अगर आप चाहते हो कि उनका शेड चेंज हो, तो यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करने पे यहाँ पे नीचे ही इसका जो है ना आ रहा है आपके पास कलर कोड, तो ये आप ले सकते हैं। अच्छा एक चीज और, कि अभी मैं एक और जो है ना, सारे लोग जरा स्क्रीन पे आ जाएं, मैं एक चीज और बताने जा रही हूँ। ये है कि आप देखें कि ये एक चीज है, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना जूम कर लेती हूँ यहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि जस्ट इसको मैं ना करूं, लेके जाऊं कहीं पे, चेंज करना चाह रही हूँ इसकी जगह। अब देखिए ये पूरा का पूरा इकट्ठा घूम रहा है, तो मैं चाहती हूँ इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, जस्ट इसी को बीच में। अब मैं कोई फूल लगाना चाह रही हूँ, कोई पिक लगाना चाह रही हूँ, कुछ भी चाह रही हूँ लग जाए, तो आप इस तरह से इसको किस तरह चेंज कर सकते हो। अब आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये पूरा का पूरा एक सेलेक्ट हो गया है, तो आपके पास यहाँ पे जो है ना तीन डॉट आ रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है अनग्रुप का। जैसे ही आप अनग्रुप करेंगे ना, तो आपके पास ये अनग्रुप हो जाएगा। अब आप इस अकेले को जिधर मर्जी यहाँ पे ऊपर कर सकते हैं, अब इस अकेले को आप यहाँ पे कर सकते हो, और इसको आप थोड़ा नीचे कर सकते हो, इसको आप मजीद यहाँ पे ला सकते हो। अब आप चाह रहे हो कि यहाँ पे आप जो है ना कोई इमेज लगा रहे हो, आप यहाँ पे इमेज लगा सकते हो। अब आप इसको नीचे ले आए, और आप चाहते हैं आप यहाँ पे कोई जैसे फूल है, कोई रिंग है, या इस तरह से कुछ आप एलिमेंट यूज करना चाहते हो, तो आप इस तरह से इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है, उसके बाद अगर क्लियर है तो आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। अच्छा कुछ ऐसा भी लेके आए ना डिजाइन्स में, जस्ट आप लोग एक ही तरफ चल पड़े हैं, कि जस्ट आप जो है ना आप हर एक जगह चीज में पिक्स ला रहे हैं। आप थोड़ा सा फूलों को भी लाएं, आप थोड़ा सा जो है कुछ ऐसा भी हो कि बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन हो, एक कलर हो, लाइक जस्ट व्हाइट ना हो, कोई और भी हो सकता है। डार्क कलर बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा अलीना ने एक डिजाइन जो है वो सेंड किया है, तो उसको थोड़ा सा जो है हम, अच्छा एक चीज बता दें कि जैसे जैसे डिजाइन आता जाए हम साथ साथ व्यू करते जाएं, या हम, ठीक है बिलाल, या हम थोड़ा सा वेट किया करें कि कुछ स्टूडेंट्स के जो है ना डिजाइन आ जाएं, बाकी लोग भी अपने जो है ना प्रैक्टिस कर लें और फिर हम रिव्यू करें। अब आप लोगों को क्या चीज जो है ना वो ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है, कि जैसे जैसे डिजाइन है रिव्यू करते जाएं, साथ साथ आप लोग अपना काम रोके यहाँ पे रिव्यू में आ जाएं, या फिर हम ये कर लें कि 15 मिनट में जो है ना हम रिव्यू, वो सॉरी डिजाइन की प्रैक्टिस करेंगे, जिस जिसका 15 मिनट में तैयार हो जाएगा वो कमेंट करता जाएगा, और फिर हम 15 मिनट के बाद जो है उसको रिव्यू करेंगे, और फिर हम दोबारा से जो है ना प्रैक्टिस पे स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, अभी देख लेते हैं कायनात हम इसको।
इसमें ये अच्छा है बट ये अच्छा नहीं है, ये वाला कलर आप इसमें कोई और डार्क कलर भी यूज कर सकती हैं, ये आई थिंक दोनों लाइट से लग रहे हैं मुझे। इसको मुझे जो इसमें अभी तक इशू नजर आया है वो ये कि मैंने जब एक नजर में देखा तो मुझे जस्ट ये नेम्स ही शो हुए, और इस इन नेम्स के साथ ये वाला कलर बिल्कुल भी वो अच्छा अच्छा लग रहा है, ये नहीं है कि अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, बट ये वाला इसको पढ़ने में थोड़ा सा जो है ना ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका कलर बहुत ज्यादा डार्क है, ये बहुत ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है, और इसको जो है ना आपने थोड़ा सा कम रखा हुआ है, तो इस पे थोड़ा सा इसका कलर चेंज करें। अब आप बाकी सारे बताएं कि ये वाला कलर आपको कैसा लग रहा है, ये वाला कार्ड आपको कैसा लग रहा है, इसमें क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है। मुझे इसमें ये अच्छा लगा है कि ये एक एलिमेंट से यूज जो आपने किया है यहाँ पे, इमेज कह लें इसको या एलिमेंट कह लें आपने ये यूज किया, ये मुझे अच्छा लगा है। यहाँ पर जल्दी से मुझे बता दें, ठीक है अलीना, हम नेक्स्ट यही करेंगे कि सब भेज देंगे। तो ये अलीना आपका ये अब मैं यहाँ पे बता नहीं सकती कि अब जो है ना ब्लैक ठीक लगेगा, क्योंकि अब भी वो जब तक आंखों के सामने एक चीज नहीं आएगी ना तो वो नहीं समझ आएगी। आप जो है ना इसको ट्राई करें ब्लैक के साथ करके देख लें, इसका जो ये बेस कलर बन रहा है इसके साथ ट्राई करके देख लें क्या चीज जो है ना इस पे फिर ज्यादा सूट करती है। बाकी जहाँ पे कोई रिव्यू करना चाहे, इसमें कुछ अच्छा बताना चाहे, या इन कलर कॉम्बिनेशंस पे जो मैंने कहा उसके कहे कि नहीं मैम मुझे तो ये चीज अच्छी लग रही है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, तो जल्दी से मुझे बता दें। और ये रिव्यू करने में आपका ही फायदा होना है, आपकी अपनी जो है ना स्किल पॉलिश होगी, आपको चीजों की ज्यादा अच्छा समझ आएगी। मोहम्मद आयफ नहीं, हम स्किल वन जो हमारी थी हम अभी उसी की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि थी वेडिंग कार्ड, वेडिंग इनविटेशन कार्ड, इन ये तीन जो है ना हम इनको अपने कीवर्ड्स कह सकते हैं कि हम इस पे जो है ना काम कर रहे हैं, ये हमारी स्किल है। बेसिकली हम जो है ना ये एक कार्ड डिजाइन कर रहे हैं शादी के इनविटेशन के लिए, तो उसमें हम देख रहे हैं कि कौन सा डिजाइन बेस्ट जाता है, और इसमें हम फिर डिजाइनिंग में मजीद जो है ना चेंजेस कर रहे हैं। एक तो हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं वो तो यूज हो ही हो सकते हैं, उसके अलावा हम चेंज कर रहे हैं कि ये हम इस तरह से एलिमेंट्स लगा सकते हैं, जैसे ये दूल्हा दुल्हन का एलिमेंट एक लगा हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन कौन से अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लेना एक और चीज, ये जो है एलिमेंट आपने लगाया ना इसको थोड़ा नीचे लेके आए, ये बहुत ऊपर है, हालांकि अच्छी खासी स्पेस है यहाँ पे नीचे, आप इसको थोड़ा नीचे ला सकते हैं, ये भी ऊपर बहुत जो है ना ये इस साइड पे जगह ज्यादा है और यहाँ पे बॉर्डर बहुत कम है। अब ये चीज किसी ने भी नोट नहीं की, मैंने यहाँ पे पूछा भी है कि आप लोग जो है ना इसको रिव्यू करें, लेकिन किसी ने इसको इतने इस तरह से नहीं देखा कि यहाँ पर देखें इस साइड पे स्पेस ज्यादा है और इस पे कम है, ऐसा क्यों है, स्पेस बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे नीचे इतनी सारी जगह है तो ये इतना इसके ऊपर अंदर क्यों है, ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ये भी थोड़ा सा, ये इतने स्पेस का इशू आ रहा है, स्पेस नहीं है, चीजें एक दूसरे के अंदर ही अंदर है, तो ये जो है ना अब यहाँ पर आप इसको यहाँ नीचे यहाँ लिख सकती थी और एंड को खत्म करके यहाँ पे कितनी बड़ी स्पेस है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इन दोनों नेम्स को इकट्ठा एक लाइन में लिख सकती थी, और अंदर जो है आप प्लस का साइन यूज कर सकती थी, यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस है और दरमियान में ये बड़ा अच्छा लगना था, और फिर ये उसके नीचे लिखती और यहाँ एंड पे ये वाला जो भी आपका एलिमेंट है वो लगा लेती, या एलिमेंट ये जो आपने लगाया इसको ऊपर लगा लेती और ये वाली लाइन थोड़ी नीचे ले आती, फिर दरमियान में ये वाला प्लस लगा के पूरा यहाँ पे लिख लेती, प्लस लगा लेती, एंड भी लग जाना था यहाँ पे पूरी लाइन में, और फिर नीचे आप इस तरह से ये वाली लाइन लिख लेती, तो ये वाली थोड़ी सी आप इसमें चेंजेस करें। ठीक है, कलर का इशू आया है सबको ही, अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि कायनात अच्छा है ये डिजाइन अभी तक, तो अब इसको मैं थोड़ा सा क्रिटिकल रिव्यू करती हूँ, एक नजर देखने में तो अच्छा गया है, अब देखते हैं ये जो है ना टू ये गलत आ रहा है, अब इस टू को आप थोड़ा सा चेंज कर सकती हैं, अब ये जो है ना प्री डिजाइन टेम्पलेट होगा वट एवर, अब ये टू जो है ना पहले बार मुझे नजर ही नहीं आया कि ये टू भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा नीचे लाएं, ये इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है ना अंदर जा रहा है, इसको आप थोड़ा सा नीचे लेके आए, और ये चीज यहाँ पे थोड़ी सी नीचे हो सकती है, ये चीज थोड़ी सी नीचे हो सकती है, उसके अलावा अच्छा ये चीजें थोड़ी सी मिक्स हो तो
शायद सिर्फ मुझे ही अच्छी नहीं लगती, या मैं भी सबको अच्छी ना लगती हूँ। अब ऑब्वियसली एक बैकग्राउंड इमेज आएगी तो ये चीजें तो उसके ऊपर ही आएंगी, तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ट्राई करें कि इस पे थोड़ा सा मजीद काम करें, इसमें इसको थोड़ा नीचे लाएं, ये इसके अंदर बहुत मिक्स लग रहा है। और बाकी अगर ये भी चेंज हो सकता है किसी तरह, किसी और स्टूडेंट को ये पता हो कि हम किस तरह इमेजेस और टेक्स्ट को मिक्स होने से बचा सकते हैं। देखिए ये इसके ऊपर 2 आया है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये पहली नज़र में मुझे नज़र ही नहीं आया कि यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है, तो ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी अवॉइड करें। अच्छा ये वाला पढ़ने में ना मुझे, ये जो मैंने इतना कुछ सेकंड का टाइम लिया ना, ये मैंने इसको पढ़ने में लगाया कि ये ऊपर लिखा हो, और यकीन माने मुझे ये इनवाइट वाले थोड़ा सा नजर आया तो मुझे लगा अच्छा ये वेडिंग इनविटेशन ही होगा। ये वाला अब फॉन्ट का जो है ना थोड़ा सा स्टाइल अच्छा है, बट इसको थोड़ा सा जो है ना स्टाइल, अब फॉन्ट स्टाइल में नहीं कह रही, ये जिस तरह से आपने इस तरह लिखा है ना ये स्टाइल अच्छा है, लेकिन फॉन्ट का स्टाइल चेंज करें, थोड़ा सा क्लियर हो। या ये वैसे डेकोरेशन में बड़ा अच्छा लगता है कि ये अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना पढ़ने में भी आसानी हो। मैं बताती हूँ आसमा, मैं देखती हूँ आपका भी, और बिलाल मैं आपका बताती हूँ कि कलर कैसे चेंज होता है फ्लावर का। और ठीक है लीना, आप इसको करें, कौन सा बर्थडे का ज्यादा लग रहा है, ये वाला? अरे ना ये आइडिया आप यूज करो, यही तो आइडियाज मैं आप लोगों से लेना चाह रही हूँ। और एक चीज मैंने बताई थी, मैंने जो मैंने पोस्ट जिन्होंने की हुई थी, आई थिंक सिदरा खान की पोस्ट थी, तो मैंने वहां पे एक चीज कही थी, और मैं देखना चाह रही थी कि मेरे किस स्टूडेंट ने उस चीज को नोट किया है, कि अगर आप इमेज में आप एक फ्रेम यूज कर लो तो वो आपका बैकग्राउंड भी रहेगा, और उस फ्रेम के ऊपर जो है ना आप कर सकते हैं, आप उसके ऊपर लिखेंगे तो वो अच्छा जाएगा। चले हम इसको वापस इसको रिव्यू करते हैं। अब यहाँ पे ठीक है, ये मुझे पढ़ने में कोई मसला नहीं, हालांकि ये देखें इसका और इसका कलर सेम आ रहा है, बट इन्होंने इसको कॉम्बिनेशन में किया ना, ये बेस्ट लग रहा है मुझे अभी तक, बस ये मुझे थोड़ा सा इशू आया, उसके बाद ठीक है। और ये पे यहाँ पे इन्होंने एक, अच्छा यहाँ पे किसी ने चलो कुछ चेंज तो किया, बाकी तो वरना सारे दूल्हा दुल्हन ही लगा रहे थे, तो अब ये चीज एक अच्छी है कि और भी एलिमेंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ये वाला डिजाइन अच्छा है, बेस्ट है मेरे हिसाब से। यहाँ पर देखें इन्होंने ये भी एक जो है ना किया है, अब ये चीज यहाँ पे भी यूज हो सकती थी, बिकॉज डिनर का जिक्र यहाँ यहाँ स्टार्ट में लग सकती थी, बट यहाँ पे भी है तो अच्छा है, क्योंकि है तो वही ना कि आपने डिनर यहाँ पे आके करना है। ये अब आप आइडिया ये आप लिख सकते हो अपने पास, ये आप इस तरह के एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हो। अब ये वाली चीज यहाँ पे अगर दरमियान में यूज कर दी जाती तो इनमें स्पेस भी बन जाती, ये थोड़ा सा नीचे भी आ जाता। अब मुझे नहीं पता ये दरमियान में यूज होने के बाद अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, बट हम इसको ट्राई तो कर सकते हैं ना, देखेंगे उसके बाद ये अच्छा लगता है तो हम कंटिन्यू कर लेंगे, अच्छा नहीं लगता तो हम उसको स्किप कर देंगे। अनिला आप इस, ये जो आपने जो भी एलिमेंट यूज किया, आइकन यूज किया जो भी है, इसको यहाँ पे दरमियान में लगा के कोशिश करें ताकि इनमें भी स्पेस आए। और ये हमने ये वाली स्पेस आपने बड़ी अच्छी कवर की है। अब इसमें क्या आ रहा है कि यहाँ पर इधर तो हमने कुछ ना कुछ लिख लिया, ये थोड़ा सा खाली खाली से लग रहा है, तो इन्होंने क्या किया इस चीज को कवर किया, इस साइड को कवर किया, बट आप कोशिश करें इनको, ये देखें ना ये लाइन एक सीधी नहीं लग रही, ये इसके साथ भी थोड़ा मिक्स, इसको थोड़ा नीचे ले आए, इसको ले आए इसके साथ यहाँ पे, और ये इसके साथ पैरेलल में लगाएं, फिर देखें इसकी लुक कितनी अच्छी होती है। ये अनिल आप जो है इसमें चेंज करें। बिल्कुल फिजा, ये देसी कल्चर में अच्छी लगेंगी, लेकिन देखें अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है पाकिस्तान से तो वो डेफिनेटली इस तरह का डिजाइन डिमांड करेगा, तो आप इसको यूज कर सकते हो। आसमा ठीक है, बट ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, ये आपने एक एक अलग चीज आपने की है कि आप इसने आपने ना थोड़ा सा जो है डिजाइन, फॉन्ट्स का डिजाइन चेंज किया, वो जो हमने आई थिंक शेडो यूज किया है जहां तक मुझे लग रहा है, पर इसमें कलर जो है ना मिक्स हो रहा है इसके साथ,
आप कलर प्रोमिनेंट करो। मैं एक चीज बार बार कह रही हूँ, नेम्स का कलर प्रोमिनेंट होना चाहिए। पहली नजर में जो चीज नजर आए वो ये नेम्स हैं कि शादी हो किसकी रही है, ये चीज दैट्स बेटर यहाँ पर। अच्छा, फिर स्पेस का इशू है। आप यहाँ पे अलग अलग चीजें भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक ही बॉक्स में लिखो। एक बॉक्स में आप ये लिख लो, दूसरे बॉक्स में आप ये लिख लो, ठीक है। और बाकी अच्छे हैं, बट इन लीव्स के कलर भी तो चेंज हो सकते हैं, थोड़े और प्रोमिनेंट हो जाएं। या ये भी वैसे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ये जो है ना लाइट और डार्क कम्बिनेशन में चल रहे हैं। बट इसका अभी तक जो मुझे मेन इशू लगा है वो ये है कि ये वाला कलर मुझे अच्छा नहीं लगा, और उसके अलावा यहाँ पे जो है ना मुझे स्पेस का इशू लगा है। किसी और को यहाँ पे कोई और चीज कहनी हो इस कार्ड में तो वो कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझसे किसी ने पूछा था एक क्वेश्चन, बिलाल ने। बिलाल, मैं एक बार रिव्यू कर लूँ, उसके बाद जो है ना किसी का क्वेश्चन मिस होता है ना इस तरह रिव्यू में, आप लोगों ने मुझे बाद में याद करवा देना है। ये हो गया रिव्यू, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, फिजा आप इसको थोड़ा सा जो है ऊपर भी ले जा सकते हैं, बट ये अभी ऊपर जाएगा तो इसके साथ मिक्स होगा, फिर आपको थोड़ा सा इसको इधर करना पड़ेगा, इधर करेंगे तो ये इधर हो जाएगा इस साइड पे लेफ्ट पे, और ये दरमियान में होगा तो ये थोड़ा सा इशू करेगा। अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे फिर आपको इसको भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो चीजें थोड़ी सी हिल जाएंगी एक तरह से। लेकिन इसको अच्छा हम इसी तरह से रिव्यू पहले करके देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। ये मेरे हिसाब से अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें इतना, मैंने अच्छा कहने में जो टाइम लिया ना, मैं इमेजिन कर रही थी कि अगर ये वाला हिस्सा जो है ना ये थोड़ा सा स्लाइटली राइट साइड पे शिफ्ट किया जाए, जो ये चीज जो है ना इसके बिल्कुल दरमियान में आ जाए। अब देखें ये चीज जो है ना यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, ये चीज इसके दरमियान में आनी चाहिए यहाँ पे ऊपर। यहाँ पे एक एक बार ऐसे से आप देखें ना तो ये चीज अच्छी नहीं लगेगी कि ये भी स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ये यहाँ से हो रहा है। तो इस चीज को आप दरमियान में रखो, इसके दरमियान में ये चीज आनी चाहिए। मतलब इसको थोड़ा सा इधर करें, तकरीबन ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती और ये यहाँ पे खत्म हो जाती, तो इस तरह से दोनों साइड से जो है ना वर्ड्स के हिसाब से दोनों साइड से स्पेस बराबर करनी चाहिए आपको। कि यहाँ से अगर आपके मेन जो है ना नेम यहाँ से यहाँ तक हो रहे हैं, तो आपने ये एक ले लेना है कि मैंने इस चीज के दरमियान में ये अपना टेक्स्ट फिट करना है। अब ये चीज अच्छी है, ये दरमियान में आ रहा है, उसके अलावा जो है ना इसको भी आप थोड़ा सा इस साइड पे लेफ्ट पे थोड़ा सा शिफ्ट करें ना, तो ये चीज जो बाहर जा रही है ना ये इधर हो जाएगी, और यहाँ पे जो स्पेस है, अब यहाँ पे ये इसके अंदर मिक्स ना हो इसलिए इसको थोड़ा सा आप नीचे ले आए तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगी। अब थोड़ा सा इसको इधर कर लें आप, मजीद थोड़ा सा ये वाला जो है ना, अगर ये आपने खुद लगाया तो इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है ये वाली चीज भी दिखाने की। आप इसको यहाँ पे करके ये वाली स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जो इनका फ्रॉक है, ड्रेस है, ये